नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आइए बात करते हैं इंदौर मंडी भाव के बारे में और जानते हैं कि 13 नवंबर 2021 को इंदौर के मंडी के क्या हाल रहे और किस चीज़ के क्या भाव रहे। सबसे पहले बात करते हैं मक्का की। तो किसान भाइयों, मक्का के इंदौर मंडी में भाव रहे 1150 से 1542 रुपये और एवरेज भाव रहा 1500 रुपये। डाला चना 3000 से 9300, गेहूं 1200 से 2200, चना 2000 से 5000, सोयाबीन 3000 से 5800, ज्वार 1380 से 1385, मूंग 4800 से 7280, बटला 1000 से 4940, उड़द 1290 से 3905, तिली 8900 से 8905, मिर्ची 2500 से 8200। सब्जियों की बात की जाए इंदौर मंडी में, तो भिंडी 10 रुपये किलो, अधिकतम 30 रुपये किलो, करेला 10 से 25, लौकी 10 से 25, बैंगन 3 से 8, पत्ता गोभी 4 से 10, शिमला 20 से 50 रुपये प्रति किलो, फूलगोभी 5 से 20, हरा धनिया 15 से 40 रुपये प्रति किलो, खीरा 6 से 15 रुपये, हरी मिर्च 10 से 20 रुपये, पपीता 6 से 20, आलू 3 से 15, कद्दू 4 से 8 और टमाटर 16 से 44 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिका। वहीं बात करें प्याज लहसुन और आलू के भाव की, तो सुपर प्याज 1600 से 1900 रुपये और लहसुन सुपर 3500 से 4200 और आलू स्टोर ज्योति 700 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। मैंने जानकारी के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।